डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन एक फॉर्म है जो मुझे करना है, वो है बचाटा। आई हैव नेवर डन बचाटा। क्लोज डांसिंग मैंने कभी नहीं की है, हील्स पे डांसिंग मैंने कभी नहीं की है, सो दैट इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू। इट वॉज सरियल। आई थिंक यू नो, जितना चंद्रमुखी मेरी मराठी फिल्म के लिए लोगों ने मुझे प्यार दिया है, टू परफॉर्म एंड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ओरिजिनल चंद्रमुखी, इट वॉज अमेजिंग। क्योंकि बचपन से मैं उनकी फ़ैन रही हूँ, मैं उनकी फॉलोअर रही हूँ, एंड टू बी एबल टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ हर, इट्स लाइक नहीं, मैं मुझे ऐसे लग रहा है टफेस्ट से भी ज़्यादा। आई थिंक आई विल टेल यू हु माई फेवरेट डांसर्स आर ऑन द शो। देर इज़ निया, देन देर इज़ रुबीना, देन देर इज़ गुंजन, देर इज़ कश्मीर। आई एम लिटिल टेंस्ड नाउ एंड नर्वस नाउ, बिकॉज आई थिंक ये 50th इंटरव्यू है जहाँ पे लोग मुझे कह रहे हैं कि अरे आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है। आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट आई एम वेरी वेरी हम्बल्ड कि जब एक्सपेक्टेशंस होती है इसका मतलब है लोग आप पे दिल लगाते हैं, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल बिकॉज ऑल दी अदर कंटेस्टेंट्स आर ऑल्सो एब्सोल्युटली लवली, और वो बार बार मेरा नाम ले रहे हैं कि इससे बच के रहो, लेकिन भाई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट फील दैट आई हैव बीन एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट अबाउट डांसिंग, एंड आई लव डांसिंग, एंड दैट जस्ट शोज, एंड दैट जस्ट you know it shows in my body language, on my face and everything. But the real reason for me to do Jhalak Dikhla Ja is Madhuri Dikshit. To be able to perform in front of her, I think that is really something. देखिए प्रेशर मैं सिर्फ परफॉर्मेंस का लेती हूँ, बाकी सारी चीज़ों का नहीं लेती। कि मैंने जितनी मेहनत की है वो मेहनत बस उस 3 मिनट में दिख जाए लोगों को, और वो बहुत फ्लॉलेसली एफर्टलेसली मैं डांस कर पाऊँ, इसी चीज़ का मुझे प्रेशर रहता है। बाकी कौन रहेगा, कौन जाएगा, मैं जीतूंगी नहीं जीतूंगी, इसका प्रेशर नहीं है मुझे। आई जस्ट वॉन्ट टू परफॉर्म माई हार्ट आउट। डिफ़िकल्ट तो नहीं, लेकिन एक फॉर्म है जो मुझे करना है, वो है बचाटा। आई हैव नेवर डन बचाटा। क्लोज डांसिंग मैंने कभी नहीं की है, हील्स पे डांसिंग मैंने कभी नहीं की है, सो दैट इज़ समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू। इट वॉज सरियल। आई थिंक यू नो, जितना चंद्रमुखी मेरी मराठी फिल्म के लिए लोगों ने मुझे प्यार दिया है, टू परफॉर्म एंड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ओरिजिनल चंद्रमुखी, इट वॉज़ अमेजिंग। क्योंकि बचपन से मैं उनकी फ़ैन रही हूँ, मैं उनकी फॉलोअर रही हूँ, एंड टू बी एबल टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ हर, इट्स लाइक वो कहता है ना कि लाइफ कम्स बैक टू अ सर्कल, वैसा कुछ हुआ है जी। काहे छेड़ छेड़ मोहे, आई थिंक दैट इज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, और जो अदाकारी है वहाँ पे इज जस्ट रियली समथिंग। नहीं, मैं मुझे ऐसे लग रहा है टफेस्ट से भी ज़्यादा, आई थिंक आई विल टेल यू हु माई फेवरेट डांसर्स आर ऑन द शो। देर इज़ निया, देन देर इज़ रुबीना, देन देर इज़ गुंजन, देर इज़ कश्मीर। I think Chandramukhi for me opened a lot of new doors, and the kind of promotion that was put into it, no Marathi film has ever done such promotions, and uska result ye bhi hai ki aajkal filme jo chalti nahi hai, Chandramukhi went to see 51 days at the theaters, so yeah, that was really something. यार 3 तारीख से शो आ रहा है, गणेशोत्सव का शुभ मुहूर्त है, मौका है, तो भाई गणपति बापा के सामने एक मोदक रख दीजिए मेरे नाम का, और गणपति बापा को कहिए कि अमृता को जिता दे। थैंक यू।